नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में प्रतिदिन सड़क जाम से जनता त्रस्त। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण निरसा में प्रतिदिन जाम की स्थिति से जनता में आक्रोश। स्कूली गाड़ियां एवं एम्बुलेंस भी फंसी जाम में, आखिर जिम्मेवार कौन? धनबाद जिला के निरसा चौक में प्रतिदिन लगने वाले सड़क जाम से जनता काफी त्रस्त है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों एवं सड़क के साथ साथ सर्विस लेन में अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों एवं ऑटो चालकों के प्रति भी जनता में काफी आक्रोश है। लेकिन जनता की मजबूरी है, आखिर गुहार लगाए भी तो कहां। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा निरसा चौक पर देखने को मिला, जहां जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यहां तक कि कई घंटों तक चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे स्कूली बच्चों की गाड़ियां भी जाम में फंसे दिखे, लेकिन इस भयंकर जाम से निजात दिलाने वाला कोई न दिखा। यहां तक कि कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी दिखी। कैमरा देख स्थानीय थाना स्टाफ की हुई रेस। जाम के दौरान स्थानीय थाना स्टाफ भी निरसा चौक पर जाम के दौरान दिखे, लेकिन वह भी जाम हटवाने की बजाय छांव में खड़े दिखे। जब उन्होंने कैमरा देखा तब वो छांव से बाहर धूप में निकले और जाम हटवाने का प्रयास करने लगे। काफी मशक्कत के बाद जाम से निजात मिलती दिखी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के दोनों लेन अप व डाउन तथा दोनों सर्विस लेन जाम के कारण पैक हो जाता है। सर्विस लेन में दुकानें सजी रहती है, साथ ही बचे जगह को भाड़े पर चलने वाले प्राइवेट गाड़ियों ने कब्जा जमा लिया है। दो पहिया वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। बेतरतीब ढंग से आगे निकलने के होड़ में जाम जैसी स्थिति बन जाती है। निरसा थाना से लेकर सिनेमा हॉल मोड़ तक सर्विस लेन की दोनों ओर की स्थिति समान है। ट्रैफिक की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। जानकारी अनुसार आपको बता दें कि 4 माह पूर्व जाम की समस्या से निपटने के लिए NHAI के अधिकारी एवं निरसा अंचलाधिकारी के नेतृत्व में सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया गया। नोटिस दी गई, माइक से प्रचार किया गया, लेकिन परिणाम वही का वही है। अंचलाधिकारी, NHAI अधिकारियों, फुटपाथ दुकानदारों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि दुकानदारों व वाहन स्टैंड को हटाने के पूर्व इन्हें बसाने के लिए जगह चिन्हित किया जाए। ये निर्णय भी खटाई में दाल छोड़ दिया गया। जनता के प्रति अधिकारियों की उदासीनता से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अधिकारी अब भी सक्रिय नहीं हुए तो जनता का आक्रोश कभी भी फूट सकता है। ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है निरसा चौक। अंचलाधिकारी निरसा, प्रतिदिन लगने वाले जाम एवं इसके उपाय के विषय में जब अंचलाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि निरसा चौक ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है। सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रयास जारी है और जाम एवं दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से सड़क के चारों ओर फैला अतिक्रमण जिम्मेवार है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। NH जो हमारा सर्विस लेन पे है, कुछ लोग जो दुकानदार जो दुकान लगा रहे हैं, लगातार उन लोगों के साथ बैठ के भी की गई थी और NH के पदाधिकारीगण भी उसमें उपस्थित थे। बाकायदा सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लोग उपस्थित थे और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि NH के से अगल बगल निरसा जो चौक के अगल बगल में जो हमारा सर्विस लेन है वो हमारा खाली हो जाए। वर्तमान में हमारे माननीय विधायक मैडम और साथ में जिला स्तर के पदाधिकारी सबसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं और NH वाले से भी संपर्क में हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम जितने भी हमारे सर्विस लेन पे जो दुकानदार यहाँ पर जो स्थायी रूप से दुकान लगाते हैं उन सभी को उचित स्तर पर हम लोग सबको शिफ्ट करेंगे और NH को हम लोग खाली कराएंगे ताकि सुगमतापूर्वक लोग अपना आवागमन कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि दुर्घटना से बची जा सके। जो यहाँ के लोगों के साथ लगातार दुर्घटना की बातें आती हैं, दुर्घटना हम लोग रोकना चाहते हैं। हमारा निरसा चौक जो है वो भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है ताकि ये ब्लैक स्पॉट का जो धब्बा है निरसा चौक से भी हट जाए और लोग सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों, सभी प्रेस बंधुओं, सभी स्थानीय लोगों से और जो भी दुकानदार हैं उन सभी से मेरा आग्रह होगा कि वो सभी लोग भी प्रशासन को सहयोग करें इस चीज़ को फलीभूत करने में। धन्यवाद।